बुंदेलखंड को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली और खजुराहो के बीच फिर से फ्लाइट शुरू हो जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के प्रयासों के बाद अब ये सौगात मिल रही है। 18 फरवरी से जो है दिल्ली खजुराहो हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। क्षेत्र में रोजगार और पर्यटन को इससे नए अवसर मिलेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार भी जताया है। तो आपको बता रहे हैं हम ये खास जानकारी कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल को एक बड़ी सौगात दी गई है। यहाँ की एक पुरानी मांग को लेकर जो है इसे पूरा करते हुए 18 फरवरी से दिल्ली से खजुराहो के बीच फ्लाइट शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें, इसको लेकर वीडी शर्मा ने एक ट्वीट किया है और उसमें जानकारी दी है कि 18 फरवरी से पुनः शुरू हो रही है दिल्ली खजुराहो हवाई सेवा। तो इस जनहितकारी निर्णय से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और इस जानकारी को देते हुए वीडी शर्मा ने यह ट्वीट किया है। आपको बता दें, खजुराहो के विश्व पर्यटन स्थल होने के कारण भी इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी और ये फ्लाइट चलने से समूचे बुंदेलखंड के लोगों को दिल्ली आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद वीडी शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार व्यक्त किया है। और आपको बता दें कि पहले भी ये फ्लाइट चलती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे बंद कर दिया गया था।